हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर सॉल्यूशन चैप्टर। सो लास्ट क्लास हमने आपके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में डिस्कस किया था। व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल एंड वन वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में डिस्कस किया था। तो ये चैप्टर तो बेसिकली हमारा बाइनरी मिक्सचर के ऊपर है, तो हम बाइनरी मिक्सचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। मतलब बाइनरी मिक्सचर मतलब दो ही होंगे, या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, राइट। अगर आपका मल्टीपल मिक्सचर्स होंगे तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बारे में डिस्कस करेंगे, बट आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो सिर्फ बाइनरी मिक्सचर के बारे में दे रखा है, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द चैप्टर। अब हम जो आज पढ़ने वाले टॉपिक वो आपका है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। तो बेसिकली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज समवॉट सिमिलर टू आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस से, ठीक है। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो जो आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस होती हैं, आपको पता है कि आइडियल गैसेस आर व्हाट, दे फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, राइट। आइडियल गैसेस कैन फॉलो आइडियल इक्वेशन, राइट। तो आपके आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशंस आपके वो हैं जो आपके राउल्स लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की बात, जब हम गैसेस की बात कर रहे थे दैट आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, तो वो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, मतलब बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉस को फॉलो कर रही थी। एंड आपके जो नॉन आइडियल गैस, वो जो इन सब लॉस को फॉलो नहीं कर रही थी, मतलब इन सारे लॉस को मिला के हमने एक आइडियल गैस लॉ बनाया था, राइट। तो आइडियल गैसेस कौन सी थी आपकी, जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, आइडियल गैस लॉस को फॉलो कर रही थी, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैसेस। एंड नॉन आइडियल, जो इनको फॉलो नहीं कर रही थी। इन द सेम वे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो आपके नॉन आइडियल। तो इतना सिंपल नहीं है, जैसा मैंने एक लाइन में बोल दिया वैसा नहीं है। अब आप सोचोगे ऐसा ही है, तो यही डेफिनेशन है दोनों का, तो ऐसा है ऑब्वियसली। ये राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, एक जो आपके आइडियल सॉल्यूशन है, और जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं आइडियल है। तो आज का जो अभी का जो डिस्कशन है, वो बेसिकली हम एक जनरल डिस्कशन रखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और जो कि रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनेशन ऑफ दिस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। सो 1 मिनट स्टूडेंट्स। Now we are going to start, okay. Actually, I'm recording all the lectures one by one, okay. Everything is coming like together, so I'm not getting any time in between to have water also. So that's what, that doesn't a problem, okay. We'll start. The only thing you have to study, that's only matter, okay. Now first thing, that ideal and non-ideal solution. So first, the ideal and non-ideal solution is, first in general, ideal gases, you know that, which follow ideal gas equation. Likewise, ideal solution are what? Are those which follows ideal, which follows the Raoult's law. Okay, Raoult's law, you know that. That the partial pressure of the, or you can say the partial vapor pressure of the component of the gases directly proportional to the, what? To the mole fraction of that component, right? Yehi hota hai, the Raoult's law. Now, we are going to start. Okay. For example, maan lo, humare paas aapki pure liquid A hai. प्योर लिक्विड बी है, ठीक है, एंड दैट कंबाइन बना के आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। अब हम एक चीज कंसिडर कर रहे हैं, नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम एक चीज कंसिडर कर रहे हैं। मान लो आपके पास प्योर लिक्विड ए है, ठीक है, आपके पास प्योर लिक्विड ए है एंड आपके पास प्योर लिक्विड बी है, ठीक है, और वो दोनों को आपने मिलाया तो आपका सॉल्यूशन बन गया। तो आप बताओ, आपके पास प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड बी मिलाया आपने, मान लो 20 ml आपका प्योर लिक्विड ए था, 20 ml मैंने प्योर लिक्विड बी मिलाया, टोटल मिला के कितना सॉल्यूशन बन गया आपका, 40 ml, राइट। 40 ml आपका सॉल्यूशन बन गया, राइट। तो ऐसा हम हमेशा मानते हैं, ऐसा हम आइडियल, ये आइडियल एक तरह की सिचुएशन है जो कि हम हमेशा मानते हैं, राइट, एक आइडियल तरह का सॉल्यूशन है जो हम हमेशा मानते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, 20 मिला के 30 मिला के भी 50 नहीं होता है,
तो उस टाइप में जो सोल्यूशन बनते हैं उनको हम नॉन आइडियल बोलते हैं। और वो क्यों नॉन आइडियल बनते हैं उनके सारे रीजंस हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, उनके सारे रीजंस हम अभी पढ़ेंगे। बट हमेशा हम जब भी कोई क्वेश्चन अभी तक भी आगे भी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो हम यही मान के सॉल्व कर रहे थे कि कोई सोल्यूशन आइडियल ही होता है। जैसे हम मान रहे थे यहाँ पर अगर 30 है यहाँ पर 20 है तो मिला के वो 50 ml सोल्यूशन बनेगा। तो आइडियल कंडीशन में मान के ही हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, तो अभी तक हम इसका कंसिडर किए ही नहीं थे। और जब हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं तो हम एक मन में यही सोचते हैं कि हम आइडियल सिस्टम पे डील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन डिटेल, ठीक है। तो बेसिकली आप जो हमारे पास बेसिकली फंडा क्या हो गया, इसका जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन ए का, ठीक है, ये तो इसको उसके सरफेस के मॉलिक्यूल है, ये बी के हैं, ये ए बी के हैं, राइट। तो इसका जो वॉल्यूम हो गया इसको हमने वी1 मान लिया, ठीक है, इस वॉल्यूम को हमने v2 मान लिया, इसको हमने v फाइनल मान लिया। तो एज पर दैट, एज पर दिस आइडियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका, जो फाइनल वॉल्यूम है विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, राइट। फाइनल वॉल्यूम विल बी द सम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मतलब क्या, v1 प्लस v2, यही सम होना चाहिए इसका, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। बट क्या होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 3-4 केसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला केस हम वॉल्यूम का पढ़ने वाले हैं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम का केस पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज है डेल्टा वी मिक्सिंग इज बेसिकली क्या, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। जब हम वॉल्यूम का चेंज होता है, ठीक है, वॉल्यूम का चेंज होना डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, जब हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी को सॉल्यूशन में, तो जो वॉल्यूम का चेंज होना उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं डेल्टा वी मिक्सिंग। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग। सो अगर आपका डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो है तो आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपका आइडियल है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ, राइट। डेल्टा वी मिक्सिंग बेसिकली चेंज इन मिक्सिंग ऑफ व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, राइट। जब हम वॉल्यूम का चेंज होना, जब मिक्स करते हैं तो प्योर लिक्विड ए प्योर लिक्विड बी को मिक्स किया, वॉल्यूम का चेंज हुआ, अगर वो वी मिक्सिंग इज जीरो हुआ तो मतलब इसका क्या हुआ, जो फाइनल है That is equals to the initial. मतलब इसका फॉर्मूला डेल्टा वी मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या हो गया, फाइनल माइनस v1 प्लस v2। अगर मान लो फाइनल 50 था तो v1 v2 भी, v1 ये 30 था ये 20 था, तो 30 प्लस 20 50 और फाइनल वॉल्यूम भी 50 आ रहा तो ये जीरो हो जाएगा। सो दैट्स वाई फॉर आइडियल सॉल्यूशन इट कम्स एज व्हाट, इट कम्स एज 50 और सॉरी इट कम्स एज जीरो, ठीक है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग आपको पता चल गया होगा क्या होता है, बेसिकली इट इज अ चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। और ये चेंज इन वॉल्यूम कैसे फर्क पड़ते हैं और कैसे होते हैं हम इसको समझते हैं। सो बेसिकली जो चीज इसमें इन्वॉल्व होती है वो बेसिकली इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। अब मैं बोलूंगी इंटरेक्शन तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंटरेक्शन कैसे कैसे बात कर रहे हैं इंटरेक्शन की। जैसे मान लो प्योर लिक्विड ए में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, प्योर लिक्विड ए में मॉलिक्यूल्स के बीच में मान लो नॉर्मल इंटरेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल इंटरेक्शन है। जब उनके बीच में नॉर्मल इंटरेक्शन है तो जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है वो भी नॉर्मली ऑक्यूपाई होगी। अब मान लो कि अगर ए एंड ए में इस पर्टिकुलर लिक्विड में बहुत तेज इंटरेक्शन है तो क्या होगा, वो लोग आपस में बहुत तेज क्लोजली जुड़ जाएंगे, राइट, बहुत पास आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर ए और ए में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है तो बहुत हाई इंटरेक्शन है, हाई अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो लोग बहुत पास आ जाएंगे। जब वो बहुत पास आ जाएंगे तो क्या होगा, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वॉल्यूम आपकी डिक्रीज कर जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी, राइट। सो मान लो अगर आपका ए एंड बी में कुछ इंटरेक्शन है, बी एंड बी में कुछ इंटरेक्शन है, जैसे ही आपने सॉल्यूशन में डाल दिया तो ए और बी में इंटरेक्शन हो गया, क्या हो गया, बहुत टाइट इंटरेक्शन हो गया। जो अगर वो बहुत टाइट इंटरेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, जो ए बी बहुत पास आ जाएंगे, जब ए बी बहुत पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम आपकी डिक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ऐसे केसेस में आपका क्या हो जाएगा, जो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। और जब डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा तो ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, आवर वॉल्यूम, जो हमने वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब तो दूसरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। सो डेल्टा एच मिक्सिंग बेसिकली क्या है आपका, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब ये बेसिकली इंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी और मिक्स ऑन मिक्सिंग। इंथैल्पी पता है आपको, हीट में चेंज होना, राइट। इंथैल्पी हमने क्लास 11th में पढ़ा है, राइट, आपका थर्मोडायनेमिक चैप्टर में। तो बेसिकली डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है आपका, चेंज इन एंथैल्पी और यू कैन से चेंज इन हीट व्हेन मिक्सिंग, मिक्सिंग के दौरान जो चेंज इन हीट और मिक्सिंग ये एंथैल्पी होता है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये सब समझने से ये सारे आंसर्स का जवाब हमारा इंटरेक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ए एंड ए के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है, ये आपका लिक्विड ए, आपको सब कुछ दिखना चाहिए यहां तक, यस, हाँ, नाउ इट कैन बी विजिबल, राइट। ये आपका लिक्विड ए था, ठीक है। अब इस लिक्विड ए के बीच में मॉलिक्यूल ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, राइट, बीबी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो इंटरेक्शन होगा, एंड तब तो जाके सोल्यूशन का बनेगा। ये दोनों कंबाइन करके तो सोल्यूशन बनाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तभी तो सोल्यूशन बनाएंगे। तो हमको पहले इंटरेक्शन ए के इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा, बीबी के इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा,
और तभी तो CC का इंट्रैक्शन, सॉरी AB का इंट्रैक्शन बढ़ेगा, बनेगा, राइट? तो आप बताओ मुझे, जब आप AA के इंट्रैक्शन को तोड़ोगे, ठीक है, जब आप AA के इंट्रैक्शन को तोड़ना चाहते हो, तो आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में हीट क्या करोगे? दोगे, राइट? एनर्जी क्या करोगे? दोगे, ताकि उसको एनर्जी मिले और वो टूट पाए, राइट? सो AA इंट्रैक्शन ये क्या है? ब्रेक करने के लिए. आप इसमें क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा. सिमिलर वे जब बीबी का इंट्रैक्शन को हमको तोड़ना चाहिए, तो हम उसमें हीट देंगे ताकि वो इंट्रैक्शन टूट पाए. तो हीट एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो ब्रेक होगा, ठीक है? सिमिलर वे जब ए ए का ए बी का इंट्रैक्शन बनेगा, जब ये फॉर्म होगा, तो आपको पता है जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है. लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. तो यहां पर क्या होगा? हीट जो होगी रिलीज होगी. क्या होगी? रिलीज होगी. सो बेसिकली दिस इज वॉट डिपेंड ऑन इंट्रैक्शन. सेम वे वॉल्यूम का भी इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है. ए ए के बीच में नॉर्मल इंट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम उसका नॉर्मल रहता है. बी बी के बीच में भी नॉर्मल इंट्रैक्शन का वॉल्यूम नॉर्मल रहता है. ए बी के बीच में ज्यादा इंट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम वो पास आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है. तो ऐसा होता है. तो बेसिकली आपको एक चीज पता चल गई होगी, जब भी एक याद रखो यहां पर रिलीज क्यों हो रहा है, जब भी आपका कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस केस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है. एंड जब भी कोई बॉन्ड टूटता है, उस केस में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई की जाती है, ठीक ठीक है? सो बॉन्ड ब्रेकिंग में और बॉन्ड ब्रेकेज में क्या होता है? आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब एनर्जी सप्लाई की जाती है और वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो बॉन्ड को एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. तो वही डेल्टा एच क्या है? बेसिकली डेल्टा एच ये आपका चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग है, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा आपको. तो अगर आपका डेल्टा एच आपका जीरो हो रहा है, तो आपका आइडियल सॉल्यूशन, अगर वो जीरो नहीं हो रहा है, तो आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं है. ये भी फैक्टर क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? पता तो चल रही हूं आपको. थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो हमारा है इंटरेक्शन. क्या है आपका? इंटरेक्शन है, ठीक है? इंटरेक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है? इंट्रैक्शन जो भी मैंने आपको बताया, इंट्रैक्शन और इंट्रैक्शन बोल लो, या फिर इसको इस पॉइंट को आप बोल लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या बोल लो आप इसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, ठीक है? 1 मिनट स्टूडेंट्स. यस, तो इसको इंट्रैक्शन बोल लो या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो. इंट्रैक्शन तो हमने वॉल्यूम के केस में भी समझ लिया, इंट्रैक्शन तो हमने आपका डेल्टा एच मिक्सिंग के केस में भी समझ गया, इसको भी आप इंट्रैक्शन मान सकते हो, ठीक है? इंट्रैक्शन या फिर आप उसको बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो आप मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन का फोर्स जो ए के बीच में जिस तरह का अट्रैक्शन का फोर्स है, बी बी के बीच में भी जिस तरह का अट्रैक्शन का फोर्स है, अगर सेम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ए बी के भी बीच में है, तो आपका इस केस में भी ये आपका क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा. क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा, मतलब जिस फोर्स से आपके ए के मॉलिक्यूल्स आपस में बांध के रखे हैं दूसरे को, उसी फोर्स से बी के मॉलिक्यूल भी आपस में एक दूसरे को बांध के रखें, और ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इक्वल टू जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ए बी के मॉलिक्यूल ने आपस को आपस में बांध के रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस केस में भी हम उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे. और अगर ये चीज इक्वल नहीं होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी बी नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, तो ये क्या होगा? आपका नॉन आइडियल हो जाएगा, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से. यस, नाउ कम्स दी फोर्थ पॉइंट. बेसिकली मुझे ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को साथ में ही लिख देना चाहिए था, ठीक है? बट भी मैंने आपको अलग से लिखा है. बट मैं एक और चीज बता दूं, वेदर आपका आइडियल सॉल्यूशन हो, वेदर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ठीक है? ये डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एस मिक्सिंग एंड डेल्टा जी मिक्सिंग, ये इस पर डिपेंड करता है. ये हमेशा कॉन्स्टेंट सेम चीज रहती है. अब डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होता है? डेल्टा एस होता है आपका चेंज इन एंट्रोपी. क्या होता है डेल्टा एस? डेल्टा एस बेसिकली आपका होता है चेंज इन एंट्रोपी. डेल्टा जहां भी लग जाता है वो तो चेंज ही होता है ना, राइट? तो डेल्टा एस आपका चेंज इन एंट्रोपी होता है, ठीक है? एंड ये जो एंट्रोपी का चेंज होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है. क्या होता है? ग्रेटर देन, ऑलवेज इंक्रीज. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको पता है जो एंट्रोपी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में. तो जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, और जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी, देखो जितने ज्यादा एंट्रोपी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल. जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, सॉल्यूशन में उतने ज्यादा पार्टिकल्स घूमेंगे. अब आप ए के भी सॉल्यूशन को ले रहे हो, बी के भी सॉल्यूशन को ले रहे हो, दोनों को मिला के आप सॉल्यूशन, सॉरी ए के भी लिक्विड को ले रहे हो, बी के भी लिक्विड को ले रहे हो, दोनों मिला के सॉल्यूशन बना रहे हो, मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ज्यादा हो गए, राइट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए भी हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी भी हो गए. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो गए. तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए तो एंट्रोपी किस पर डिपेंड करती है? बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, और किसी चीज पर डिपेंड करती नहीं है. और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए तो उसके बीच में क्या हो गया? मोर पार्टिकल मींस रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत रैंडम मूवमेंट होगा उनका. और मोर रैंडमनेस होगी तो उसका मतलब मोर एंट्रोपी होगी. बेसिकली एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ही तो होता है.
तो आपका हमेशा हमेशा, चाहे आपका आइडियल सोल्यूशन हो चाहे आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, आपका जो डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, दैट इज ऑलवेज ओके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डेल्टा जी मिक्सिंग। क्या है आपका डेल्टा जी मिक्सिंग? डेल्टा जी है स्टैंड्स फॉर व्हाट? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। तो आपको पता है जो डेल्टा एनर्जी क्या है, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? जो अपने आप से होता है। ठीक है, वो रिएक्शन जो अपने आप से होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसके लिए आपका डेल्टा जी क्या होता है? आपका हमेशा लेस देन जीरो होता है। क्या होता है? लेस देन जीरो होता है। तो कोई भी रिएक्शन जो अपने आप से हो रहा है, वो जो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, फ्री जो एनर्जी है, वो आपकी हमेशा लेस देन जीरो होती है। ठीक है, नेगेटिव होती है। तो ये ऑलवेज डिक्रीज करता है। तो ये याद रखना, ये दोनों में होगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी अभी तक। नाउ नेक्स्ट थिंग, द लास्ट एंड जो हमने पहले सबसे पहले बताया था वो लास्ट में है, वो पॉइंट उसको पढ़ लेते हैं। दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो भी करता है। राउल्ट्स लॉ अगर फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ भी एक फैक्टर है, मतलब राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। नाउ विल मूव टू आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। आइडियल अब हम देखो, हमने ये बेसिक कैटेगरी पढ़ ली कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने। तो फर्स्ट पढ़ा हमने डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, राइट। डेल्टा एच मिक्सिंग मींस चेंज इन एंथैल्पी। इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। थर्ड, फोर्थ पढ़ा हमने डेल्टा एस मिक्सिंग जो कि हमेशा ग्रेटर होगी, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो हमेशा लेस देन जीरो होगी, एंड हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इन सारे फैक्टर्स जो छह फैक्टर्स पढ़े, और छह मत मानो, ये तो हमेशा सेम ही रहेंगे, ये जो चार फैक्टर के बेसिस पे हम क्या बताएंगे आपका आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन को क्लासीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, सो आइडियल सोल्यूशन आपका क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आइडियल सोल्यूशन आर द सोल्यूशन दैट फॉलोज द राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसेंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर। तो विच आइडियल सॉल्यूशन आर दोस विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके राउल्ट्स लॉ से क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही होता है, राइट। ये कैलकुलेट, अब मान लो आपने ये राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया, विल बिकम इक्वल टू वॉट एवर ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट। आपने टोटल प्रेशर ऑब्जर्व किया, मतलब एक्सपेरिमेंट से निकाला। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए? मैनोमीटर। मान लो आपने मैनोमीटर से प्रेशर निकाला, ठीक है, टोटल प्रेशर निकाला मैनोमीटर से, और अगर आपका टोटल मैनोमीटर से जो प्रेशर आया विल बिकम इक्वल टू जो आपने कैलकुलेट किया राउल्ट्स लॉ के मदद से, वो दोनों अगर सेम आ गए आपके, तो क्या हुआ? तो आपका ये आइडियल सोल्यूशन है। इवन नॉट ओनली द टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर भी आपके सेम आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने मान लो नॉर्मल प्रेशर मैनोमीटर से आपने जो प्रेशर ऑब्जर्व किया पी ए का, वो आपका जब आपने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया तो वो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो आपका आइडियल सॉल्यूशन है। इन द सेम वे ऑब्जर्व करेंगे हम बी के लिए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का जो हमने वैल्यू निकाला मैनोमीटर से ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल तरीके से, जो एक्सपेरिमेंटली पहले से डिटरमाइन था उसको ऑब्जर्व किया राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करके, तो दोनों सेम आ रहे थे। ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट चीज होगी कि विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, नॉट ओनली द टोटल प्रेशर इवन द इंडिविजुअल प्रेशर ऑल्सो, राइट। टोटल प्रेशर ही नहीं, इंडिविजुअल प्रेशर, मतलब अगर मैं बोलूं प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस ए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द दिस वन, राउल्ट्स लॉ का क्या है ये, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दिस डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं अभी, यस, डेल्टा वी मिक्सिंग। ओके, सो विल स्टार्ट विद डेल्टा वी मिक्सिंग। हमने राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट वन इज व्हाट, डेल्टा वी मिक्सिंग। सो डेल्टा वी मिक्सिंग आपको पता है, डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो होना चाहिए तभी आइडियल सोल्यूशन है, क्योंकि आपका जो फाइनल वॉल्यूम है दिस शुड बी इक्वल्स टू योर इनिशियल वॉल्यूम, जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर बताया था ना, इसका जो वॉल्यूम है लेट इट सपोज 20, इसका वॉल्यूम मान लो लेट इट सपोज 20 एंड इट कम्स अराउंड 40, इसको 40 ही आना पड़ेगा तभी आपका राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा, क्योंकि डेल्टा वी मिक्सिंग शुड इक्वल्स टू जीरो। मींस जो इंटरेक्शन होगा ए ए के बीच में विल बी इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन बी बी एंड दैट विल बी इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। ठीक है, तभी होगा, क्लियर। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, क्या आपका
थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज डेल्टा एच. डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन हीट, राइट. यस, सो चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन हीट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी बी, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ब्रेक करने के लिए ए एंड बी बी को, विल बी इक्वल टू द हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी. ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ब्रेक करने के ए एंड बी बी का इंटरेक्शन को, विल बी इक्वल टू द हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी. क्लियर, इतना समझ में आया. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाउ वेरी सिंपल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, राइट. उनके सबके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इक्वल होने चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी बी का एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का भी आपका सेम होना चाहिए. एंड ये दो चीज तो आपकी दोनों के लिए सेम है, सेम फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि इंक्रीज करेगा, और डेल्टा जो जी है मिक्सिंग है वो आपका हमेशा डिक्रीज करेगा. तो हमने आइडियल सॉल्यूशन में तीन चीजें, सॉरी छह पॉइंट्स पढ़ लिए, छह में जो पांच और छह तो वो कॉमन है सबके लिए. तो फर्स्ट पढ़ा हमने राउल्स लॉ फॉलो करेगा, टोटल प्रेशर विल इक्वल्स टू जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, दैट ऑब्जर्व्ड प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द राउल्स लॉ कैलकुलेटेड बाय द राउल्स लॉ प्रेशर, टोटल प्रेशर, इवन द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी व्हाट, इक्वल, राइट. इवन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए व्हेन कैलकुलेटेड थ्रू राउल्स लॉ, ठीक है, तो वो भी इक्वल होंगे. नाउ थर्ड पॉइंट क्या है आपका, डेल्टा वी मिक्स, सॉरी सेकंड पॉइंट क्या है आपका, डेल्टा वी मिक्सिंग मींस चेंज इन आपका वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम जो होगा डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा, कोई चेंज नहीं होगा. जब कोई चेंज नहीं होगा तभी वो आपका आइडियल सोल्यूशन होगा. थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा वो ये है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो अभी आपका जीरो होगा, मतलब जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो लोग जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू दी जितनी एनर्जी निकल रही है जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है. थर्ड पॉइंट हमने पढ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का फोर्स है बिटवीन ए ए एंड बी बी इज इक्वल्स टू शुड बी ए बी के बी इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों पॉइंट्स तो आपके सेम है. सो इतना हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं. ग्राफ सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है. तो जो ग्राफ होता है आइडियल सॉल्यूशन का वो क्या होता है, वो जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, हमने पहले भी एक ग्राफ के बारे में डिस्कशन थोड़ा बहुत किया था. तो ये मान लो ये हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर का लाइन है, ये दोनों पार्शियल प्रेशर एंड ये आपका कॉम्पोजिशन का लाइन है, ठीक है. तो ये हमारा हमने खींच दिया, मान लो ये आपका प्योर बी है, ये आपका प्योर ए है. जब आपका ये प्योर बी है, ये पॉइंट जो आपका प्योर बी है, मतलब इस पे क्या होगा आपका एक्स बी इज इक्वल्स टू वन होगा. एक्स बी जो होगा वो आपका वन होगा क्योंकि सिर्फ बी है, प्योर बी है, कुछ उसमें ए मिला नहीं है. तो एक्स ए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो जीरो होगा. पर जैसे जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ ए बढ़ने, इसमें डालने लगोगे, यहाँ पे कॉम्पोजिशन बढ़ रहा है ना, ए का कॉम्पोजिशन बढ़ने लगेगा और एक टाइम ये पॉइंट आएगा तब यहाँ पर क्या होगा, जो कॉम्पोजिशन ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा आपका प्योर हो जाएगा, मतलब प्योर ए हो जाएगा. तो इस केस में जो एक्स बी होगा वो जीरो हो जाएगा और इस केस में जो एक्स ए है वो आपका वन हो जाएगा. क्लियर, बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ. देखो यहाँ पर आपका प्योर बी था, जब ये प्योर बी था कॉम्पोजिशन तो ए था ही नहीं उसमें, मूल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन था ही नहीं ए का, तो ए का फ्रैक्शन जीरो हो गया और यहाँ पर इसका वन था. धीरे धीरे क्या हुआ, ए का इसमें ए का कॉम्पोजिशन इंक्रीज करने लगा, इंक्रीज करने लगा, इंक्रीज करने लगा, इंक्रीज करने लगा. एक टाइम ऐसा आया जब प्योर ए बन गया, जब प्योर ए बन गया तो मतलब उसमें बी का कॉम्पोजिशन ही नहीं है, तो बी का कॉम्पोजिशन जीरो हो गया, राइट. और यहां पर ये क्या हो गया, ए का कॉम्पोजिशन वन हो गया. क्लियर हो गया. नाउ ये जो पॉइंट है, जब ये प्योर ए था, ठीक है, जब ये प्योर ए था तब क्या है, जो ये पॉइंट है जैसे प्रेशर ये जो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट. तो जब ये जो प्योर बी था जब ये, तो यहां पर जो प्रेशर था इसका, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेशर था, पार्शियल जो प्रेशर था, ठीक है, वो जो प्रेशर था यहाँ पर पीक पर, वो किसका प्रेशर था, वो था पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी. किसका था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, प्योर बी, ये एकदम हाइट पे, ठीक है, ये लाइन. तो ये लाइन बेसिकली क्या बताती है, ये बताती है पी बी, पी बी इज इक्वल्स टू, मतलब पी बी जो है, ये जो पूरा पी बी का प्रोसेस चल रहा है ना, इज इक्वल्स टू पार्शियल पी नॉट बी एक्स बी, राइट, पी नॉट बी एक्स बी. और ये जो क्या है, ये प्योर ए था और यहाँ पर जो ये पॉइंट आया है, दैट इज वॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए. तो ये था प्योर ए का, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये पी ए का ग्राफ आ गया, राइट. पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. एंड ये जो इन दोनों को जो ज्वाइन करती हुई लाइन है, ये जो दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन है, ये दैट इज कॉल्ड एज वॉट पी टी. पी टी इज इक्वल टू, मतलब पी टोटल,
पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. तो ये पी टोटल था, ये पी ए था जो प्योर सोल्यूशन में जाकर टच कर रहा है, राइट. एंड जो ये पी बी पे जाकर टच कर रहा है वो पी बी था. ठीक है, समझ में आया. क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पता है पी बी जो एकदम मैक्सिमम वन था, उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ ए बढ़ने लगा, ए बढ़ने लगा, ए बढ़ने लगा, तो जाके पी बी का कंसंट्रेशन क्या हुआ, जीरो हो गया. इन द सेम वे जब प्योर कंसंट्रेशन पी ए का पीक पे था, धीरे 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 जाके यहां पर क्या हो गया, इसका जीरो हो गया. तो वही है. ठीक है, समझ में आया. नहीं भी समझ आएगा तो धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा. तो इस हिसाब से क्या है, जो पी टी कैलकुलेट ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व शुड बी इक्वल टू दी कैलकुलेटेड. ठीक है, कैलकुलेटेड होना चाहिए. तो यही हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था. ठीक है, तो आई थिंक ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. अब हमारे इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो ये सारा ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा. ये बेसिकली क्या है आपका, ये एक आइडियल सॉल्यूशन का बेसिकली ग्राफ है आपका. ये आपका पार्शियल प्रेशर हमने यहाँ पे वाई एक्सिस में दे रखा है, ये कॉम्पोजिशन दे रखा है. ठीक है, एंड देखो यहाँ पर इंडिविजुअल जो प्रेशर है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स बी. तो ये आपको पता है क्यों यहाँ पर ये पी नॉट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्योर ए है, तो यहाँ पर पी जो नॉट है प्योर ए मैक्सिमम होगा, ये प्योर बी है तो यहाँ पर पी मैक्सिमम होगा, तो इसलिए हमने इसे स्लोप टाइप बना दिया और ये पी टी जो है आपका पी टोटल दिखाता है. तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी. अब नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा एग्जाम्पल्स है. क्या पढ़ने वाले हैं, हम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल हम उसी बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, दैट इज ए का इंटरेक्शन, बीबी का इंटरेक्शन एंड ए बी का इंटरेक्शन पे बेसिस पे ही हम इसके एग्जाम्पल्स को भी डील करेंगे. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग, तो हम आज के लिए अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.